गर्मी में लाइट बिल ज्यादा, ठंडी में कम, बंद घर का रेंट भरे या लाइट बिल। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस वक्त हमें टोरंट के बिल ऑफिस के पास, यहाँ पे कई लोगों की आप देख सकते हैं, कई भारी तादाद से यहाँ पे पब्लिक आके खड़ी है, कुछ महिलाएं भी है और जेंट्स लोग भी है। उन लोगों का परेशानी है कि हम लोगों को टोरंट वालों की तरफ से लाइट बिल काफ़ी भारी तादाद से आ रहा है। लाइट बिल आखिर क्या पूरी जानकारी है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है और क्या परेशानी है आपकी? मेरा नाम है बदरुल पूजा चौधरी, मैं ग्रे स्क्वायर से आया हूँ। हम मतलब ग्रे स्क्वायर के लोग हैं, हमारे सोसाइटी का है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि जो बिल हमको पहले 2400, 2500, 3000 आ रहा था, ये टोरेंट आने के बाद 5000 रुपये आ रहा है। अभी मेरा 300 रीडिंग जब MSCSD ना भी था ना, तब मेरे को आ रहा था कुछ 2300 रुपये। अभी मेरा 315 रीडिंग है, मेरे को 4500 रुपये बिल आया। ये हमारा MSCB का बिल है जो 300 रीडिंग है, इसका बिल हमको आया है 2690 रुपीज़। ये अभी हमारा नया टोरेंट का बिल आया है, इसमें आपको बिल है 357 रीडिंग है, जिसका मुझे बिल आ रहा है 3500 रुपया। तो आपसे ऑफिसरों, आपने अंदर जब ऑफिसरों से बात की है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमारा अप्रैल से रेट बढ़ा हुआ है, मतलब उनके कुछ दो चार्जेस है पर यूनिट में 1.2049 और रीडिंग का वो रेट भी बढ़ा दिए उन्होंने, 40 पैसा 70 पैसा कुछ रेट पर यूनिट पर बढ़ाया। और स्लैब वाइज में जब वो जाते हैं ना, तो 500 रीडिंग है आपका, तो आपका लास्ट स्लैब 11 रुपया कुछ पैसे का, 9 पैसे या 29 पैसे का स्लैब है, रेसिडेंशियल मीटर है घर का, और 11 रुपया चार्जेस कर रहे हैं, 3 रुपये से 11 रुपये तक। और जो कमर्शियल मीटर होता है उसमें ये रीडिंग लगती है, इसमें नहीं लगती। फिर मैंने ये बोला कि आपने जो रेट बढ़ाया है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, और ये बोला हमारा जनवरी से चल रहा था, जब आपका जनवरी से चल रहा था आप अप्रैल तक रुके, तो और रुको ना लॉकडाउन पीरियड तक, उसके बाद आप रेट बढ़ाओ। आप लॉकडाउन पीरियड में लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, घर में बैठे हैं, और हमारा नुकसान हो रहा है, ये प्लस और रेट बढ़ा रहे हैं, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ये अपना नुकसान करने को, या जो रेट से आप ले रहे। और फिर हमने कहा भी आप ऐसा क्यों कर रहे, बोले हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो MSCB बनाती है, हम खाली कलेक्शन कर रहे हैं। जब आप कलेक्शन कर रहे हो तो छोड़ दो ना, आप करने दो उनको कलेक्शन, वो भी तो पहले कलेक्शन कर रहे थे ना भाई, तो आपको बीच में आके कलेक्शन करने की क्या जरूरत है, आप बीच में आके कमीशन क्यों ले रहे हैं। सब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, किसी को फोन कर दो बोले 10 मिनट में फोन करता, अभी कोई फोन उठाने तैयार नहीं है। अभी आपने मुझे एक लेट पेपर बताया, आपने बताया कि मुमरा में लाइट बिल बढ़ने वाला है, तो इन लोगों ने पहले ही हमको क्यों नहीं बताया? इन्होंने ये मेरे को अभी पेपर कटिंग दिया है, लेकिन ये कौन से पेपर में आया है ये उन्होंने बताया नहीं। इनका सर्कुलेशन पास हुआ है, जो सर्कुलर होता है ना वो पास हुआ है, तो सर्कुलर पास होता है, मीडिया में आता है, लोगों को बताया जाता है कि भाई ये हमारा सर्कुलेशन पास हुआ है, अभी अगले महीने से या 2 महीने के बाद बढ़ेगा बिल। और ये कौन से पेपर में आया है, मुमरा का लोकल पेपर नहीं है ये, पता नहीं कौन सा पेपर है। वो तो इसके बारे में आपने जब पूछा तो आपको क्या जवाब दिया? बस हमने दे दिया पेपर में, वो हमारा काम नहीं है, ऊपर वालों का काम है। आप ऊपर, हम ऊपर वालों से जिनके सेठ से जाके बात करेंगे, हमारे लिए तो ये वर्कर है, यही टोरेंट वाले हैं, यही हमारे लिए सेठ हैं, हम इनको पैसा भरने आ रहे हैं, इनको सेठ को बिल नहीं भरने जा रहे, पैसा लेते टाइम ये सेठ हैं, बात करते टाइम सेठ से बात करो, ऊपर जाके बात करो, ऊपर अथॉरिटी वाला कोई बात करने को तैयार नहीं। जिस तरीके से अभी बिल बढ़ा हुआ है उसके उस पर कोई बात नहीं कर पा रहे कि क्या टॉपिक पे बात करने आए हैं, वो भी सुनवाई नहीं हो पा रही। जो बिल आया है वो तुमको पेमेंट नहीं करना है, इन लोगों का इस तरीके से कहना है, और मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। उन्होंने अपना स्लैब वाइज ये वो कैलकुलेशन कर दिया, ये पीछे का ये है, आगे का ये है। अरे भाई आपने रेट ही क्यों बढ़ाया, आप आते ही रेट बढ़ रहा है, मेन तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना, आपने रेट क्यों बढ़ाया लॉकडाउन पीरियड में, आपने रेट क्यों बढ़ाया? मार्शल गवर्नमेंट से ऐसा कोई अपना अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि रेट बढ़ जाएगा, ये लोग ऐसा पब्लिकली अनाउंस किए बगैर रेट बढ़ा रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही, और एक पेपर ही कटिंग दिखा रहे हैं लोकली कि हम लोगों ने ऐसा रेट बढ़ा दिया है, तो ऐसा कैसा रेट बढ़ गया ये चीज़ हम लोगों को समझ में नहीं आई लॉकडाउन में, वो भी जबकि पब्लिक मार्शल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि हमारे 3 महीने के बिल या 5 महीने के बिल माफ़ हो, लोग ये कोशिश में, और यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिल रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने, तो कैसा करेगी पब्लिक ये सब? और हमारे नेता जो नेता है ना वो हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली बात बड़ी बड़ी थी कि टोरेंट आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टोरेंट आने के बाद 3-3, 4-4 घंटा लाइट नहीं रहती है घर में, दिन में सुबह में फजर बाद काटते हैं, दोपहर में काटते हैं, रात को काटते हैं, शाम को काटते हैं, दिन भर बोले क्या है, कॉल सेंटर में फ़ोन करो तो 20 मिनट के बाद तो फ़ोन लगता है, उनका जवाब रहता है कि भाई काम चालू, कहाँ चालू बोले हमको नहीं मालूम,
अरे काम कहाँ चालू, हम भी तो देखें जाके कहाँ चालू है काम। हम भी मुमरा में रह रहे, कोई लॉन्ग डिस्टेंस तो है नहीं, हम जाके देख सकते हैं। वो उनको बोले हमको अथॉरिटी नहीं, हम बताने के काम कहाँ चालू है, खाली काम चालू है और बिल बढ़ रहा है। मतलब जो MSEB थी हमको 24 घंटा लाइट आ रही थी, बहुत रेयरली कभी एक आध घंटा कट रहा था और बिल कम आ रहा था। ये 6-6 घंटा रोज लाइट काट रहे हैं और बिल डबल आ रहा है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो आप? संजय पांडे नाम है मेरा, दिवा में रहता हूँ, दिवा से आया हूँ। आज 3 दिन से लाइट नहीं थी, आज आई है सुबह में 11:30 बजे 3 दिन के बाद। और बिल जो है 4 महीने का बिल हमको दिखा रहे हैं, हमने 3 महीने का बिल भरा हुआ है, फिर भी 2870 रुपया हमको बिल भरना है। बोल रहे हैं कि 2870 रुपये भरना है आपको, फिर भी हमने भर दिया है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 3 दिन तक हमारे घर में लाइट नहीं थी, नहीं तो थी। आपने इन लोगों को कंप्लेंट किए थे टोरेंट वालों को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? काम चल रहा है, पोल टूटा हुआ है, पोल कहाँ टूटा हुआ मालूम नहीं है। यही हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मेरा सैयद रुबीना है, सैयद रुबीना मोहम्मद अली, मैं आई चांदनगर से। अच्छा। मैं रेंट पे हूँ, 8,000 रेंट देती हूँ। अभी 3 महीने से मेरा घर बंद है, बिल उतनी चाहिए मेरे को। ये जैसी आई हूँ जून में, मैं मेरे को देखो 5,000 बिल आ गई, जो कि 3 महीना बंद था मेरा घर। अच्छा। पूरा मेन मन बंद करके गई थी, ये मेरे को वो जून में बिल मिली, अब ये जून की अभी बिल आई है 3,000। तो आपने अंदर ऑफिसरों से बात की, जब 3 महीने से रूम बंद था तो फिर ये लाइट बिल इतना आए थे, वही आए थे बात करने, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी हम लोग सुनवाई नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो जेंट्स लोग को लिए थे, सर नहीं है बोले, वो घुमा फिरा के हम लोग को बाहर कर दिए। ये जेंट्स लोग को अंदर क्या बोले, हम लोग नहीं गए, प्रॉब्लम यही है की यही प्रॉब्लम, हम लोग लाइट बिल कम करो, हम लोग नहीं भर सकते, हम लोग रेंट पे है, रेंट देना है और फिर काम वगैरह बंद है, तो हम लोग लाइट बिल इतना कहाँ से भरेंगे, हम लोग का कम करो। सर आए बाहर अंदर से, उनसे पूछा गया कि इतना क्यों आया है, तो बोलते हम मौसम के हिसाब से लाइट बिल भेजे, गर्मी में ज़्यादा भेजे हैं, ठंडी में कम भेजे हैं। तो तुम यूनिट के हिसाब से नहीं, मतलब मौसम के हिसाब से लाइट बिल भेजते हो? मौसम गर्म है, एसी में आप बैठे हो। नहीं सर, अंदर से आए, हम लोगों ने कहा कि सर इतनी इतनी लाइट बिल आई है, हम लोग की इतना कम आती थी लाइट बिल, 700-800 के अंदर आती थी, अभी जून में डायरेक्टली 7,000 आ गए। हम लोग रेंट देंगे, काम वगैरह बंद है कि लाइट बिल भरेंगे, क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, लेकिन आपको लाइट बिल भेजना है, भरना है, हम लोग हिसाब से ही भेजे हैं। और गर्मी के हिसाब से गर्मी का बिल भेजा गया है, ठंडी के हिसाब से ठंडी का बिल भेजा गया, लेकिन हम मैंने उस पर कहा कि मतलब रीडिंग के हिसाब से नहीं भेजा गया, अगर रीडिंग के हिसाब से भेजा जाएगा तो हम लोग को भरने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप तो मौसम के हिसाब से भेज रहे हो, एसी में आप बैठते हो, लाइट बिल हम लोग भरेंगे? हम लोग के घर में तो एसी वगैरह नहीं है कि हम लोग 7,000 भरेंगे लाइट बिल, और आप बोल रहे हो कि हम मौसम के हिसाब से भेज रहे हैं। आप रीडिंग से के हिसाब से भेजो, हम लोग भरने के लिए तैयार हैं, हम लोग को शौक नहीं है बच्चों को घर में छोड़ के आके यहाँ पे लाइन लगाना, फिर ऊपर से आप इतना प्रॉब्लम होती है, अंदर जाओ तो गोल गोल घुमा के ये इतना टैक्स है वो उतना टैक्स है करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद पुलिस बुला लेते हैं कि यहाँ पे मचमच हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, आओ तुम लोग इनको पीटो। ऐसा किया गया है अभी हमारे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे थे, बात ही कर रहे थे कि पुलिस आ गई, हमारे बाजू में खड़ी हो गई कि हम लोग कुछ बोल ना सकें, ऐसा हुआ है यहाँ पे, ऐसा कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह की तरह से टोरंट वाले यहाँ के लोगों को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, और दीवा से लेके मुमरा तक की पब्लिक यहाँ पे आई है, और टोरंट के जो बिल इतना इतना आ रहा है, कितने लोग के तो रूम बंद होने के वजह से भी उनको 5,000-5,000 बिल दिया जा रहा है, और गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं इस लॉकडाउन में, ना तो इनके पास कोई काम है ना कुछ है, फिर इतना बिल टोरंट वाले क्यों देते हैं? मुमरा टोरंट ऑफिस से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख।